वीडियोस में कोई 10 साल के आसपास बड़ी हुई दिखती है, सामने से देखोगे तो शी लुक्स लाइक अ बेबी डॉल, है ना? ओह माय गॉड, सच में मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, भाई बोल रही हूँ मुझे, लेकिन सच में जो मैंने वीडियो में देखा एक दो बार और वह सामने से जो मिला हूँ तो बहुत डिफरेंस है। और राजवीर मुझसे बहुत ज्यादा बड़े नहीं है तो मैं इसलिए इनको सर नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत बड़े नहीं है। सर बोलो भी मत, मैं बड़ी हूँ इनसे, मुझसे छोटे तो छोटे भाई जैसे ही है। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ हैं राजवीर, और राजवीर कौन है, क्या है, इनका इंट्रोडक्शन राजवीर खुद देंगे और सब लोग जानते होंगे। यार मेरी बेट है आप सबसे, बताइए राजवीर। रजनी जी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। छोटा सा तो नहीं है भाई, बहुत बढ़िया है। मैं खुद फिट नहीं हूँ बट मैं लोगों को फिट रहने के टिप्स देता हूँ। मेरा एक छोटा सा चैनल है राजवीर फिटनेस सीरीज नाम से, उसके ऊपर तो जो भाई हमारे देखते हैं रजनी जी को या बहनें देखती हैं, प्यार दिखाते हैं, ऐसी प्यार दिखाते रहे, थोड़ा बहुत प्यार हमारे चैनल को भी जाके दिखाना राजवीर फिटनेस सीरीज नाम से। आधों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो जाके सब्सक्राइब कर, जो लोग फिट होना चाहते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, तो सभी होना चाहते हैं तो बस यस। तो चलिए आज हम करते हैं राजवीर की थार का रिव्यू। अच्छा भाई मुझे एक चीज़ बताओ आप, अब ये 4x2 में आ गई है, कितना अट्रैक्शन आया आपको, या लगा के यूजलेस कार आई है या अट्रैक्शन आया एकदम से कि यार अट्रैक्शन क्या मतलब? मैं तो रजनी जी एक बात बताऊं, मुझे तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ मेरे पास है दैट इज़ बेस्ट। अब क्या आ रहा है मार्केट में क्या नहीं आ रहा वो भाड़ में जाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे पास है वो जो मेरे पास है दैट इज़ बेस्ट, मेरा सोचना ऐसा है कि ना मैं ये देखता हूँ कि सस्ती आ गई आ रही मेरा नुकसान हो गया। तो जब मैंने खरीदी तो मतलब रिव्यू करूँ अगर मैं मेरी गाड़ी का रजनी जी, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, ये गाड़ी वेस्ट ऑफ मनी है। जिन लोगों के पास घर में दो गाड़ियां हैं या एक गाड़ी पहले से है, उनको सेकेंडरी कार है, ये सेकेंडरी शौक के तौर पे अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप मम्मी पापा के गले पड़े हो ना, थार दिलाओ तो 3-4 महीने तो आपको ये अच्छी लगेगी। उसके बाद जो जिस लेवल पे इरिटेट करती है ना गाड़ी, आप सोच नहीं सकते, हम भुक्तभोगी हैं, हमें पता है। एक तो जब तक इसके अंदर एलॉय ना डालो बड़े बड़े, इसका लुक आता नहीं, वो बहुत नॉर्मल ऐसे लगता है गांव में जीप चल रही है। बड़े अलॉय डालने पे सबसे पहले डिक्की आवाज करती है। yes. दूसरी चीज परफॉर्मेंस जाती है, मेरे तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं तो ये 20 इंचेस है ना, 20 इंचेस है, टायर बड़े हैं ना। अलॉय तो 20 इंच का है लेकिन टायर बहुत बड़ा है। तो right. उसकी वजह से क्या है वो परफॉर्मेंस, जो जैसे मैं लुधियाना डलवा के लाया था ये अलॉय और टायर, तो इधर से जब मैं लुधियाना गया ना तो गाड़ी की जो लुधियाना में कहां वो जो वेलोसिटी वाले हैं वही कहीं था, मैं कहां था किसे वेलोसिटी के साइड में, यहां तो लुधियाना जैसे जो परफॉर्मेंस गाड़ी की यहाँ से लुधियाना जाने में थी ना, वो वहाँ से वापस आने में नहीं थी, खत्म हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। गाड़ी में आवाजें बहुत है, आप भी एक्सपीरियंस करते हो जैसे ड्राइवर पीछे खड़खड़ बहुत ज्यादा इतनी इरिटेट करती है गाड़ी में, वही बता रहा हूँ ना कि अगर आपको शौकिया तौर पर लेनी है, जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी गाड़ी शौक के लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है, बेस्ट कार है शौक के लिए, लेकिन अगर आप कम्फर्ट ढूंढ रहे हो, फैमिली के लिए ढूंढ रहे हो, फिर वहाँ पर फैमिली भी नहीं, फ्रेंड भी गालियां बकते हैं। अब मैं गाली दे के पता नहीं रजनी जी के चैनल पे अलाउड है या नहीं। नहीं भाई गाली मत देना। नहीं, मैं बहुत कंट्रोल करके बात कर रहा हूँ। जैसे 3 लोग भी हो गए गलती से और एक बंदा पीछे बैठा है, अब उसको उतारना है तो पहले आगे वाला बंदा उतरेगा, फिर सीट फोल्ड होगी, फिर वो जाएगा और फिर वो पानी की बोतल लेके आएगा। अभी क्या होता है कई बार, जैसे मैं अंग कोई भी छोटा भाई है हमारा, मैं और मेरा कोई फ्रेंड बैठे हैं तो हम छोटे को ही बोलेंगे ना पानी की बोतल ले आ वहाँ से, या वो कर दे छोटा मोटा जो भी काम होगा। हाँ। तो पहले बंदा उतरेगा, फिर पीछे वाला बंदा निकलेगा, वो काम करके आएगा, फिर दोबारा निकलो, फिर उसको अंदर घुसाओ, फिर बैठो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। और मैंने सुना कि अब ये 5 डोर में भी आ रही ना था, 5 डोर में, बट उसका लुक मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो इसका लुक है वो नहीं आ पाएगा 5 डोर में। एक तो ये हो जाएगा, एक तो कॉस्टिंग नंबर 1, और जो महिंद्रा की मुझे वो लगती है ना कि जो आवाज है और चीजों को मेंटेन नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा शायद हो जाएंगे ना, वो बिना गाड़ी को वैसे देखे बोलना नहीं चाहिए।
अच्छा, आपने और क्या क्या मॉडिफिकेशन कराए? एक तो एलॉय सबसे ज्यादा नोटिसेबल है, सबसे ज्यादा नोटिसेबल एलॉय है। दूसरा, इसके अंदर हमने डलवाए हैं इसके अंदर लाइट्स। मैं किसकी लाइट जला, ये वाली? मयंक को भी दिखाते हैं। आइए मयंक, हाय मयंक। मयंक बहुत स्वीट है और ये राजवीर भाई के साथ हमेशा रहते हैं। ये मेरा कटप्पा है, बहुत हाँ कटप्पा है। ये मेरा कटप्पा है, बहुत प्यारा भाई है ये। इसकी लाइट ऑन कर दो भाई, हेडलैम्प। अच्छा रजनी जी, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मेरे कभी थार लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसने उंगली करी मुझे, भैया थार लो, भैया थार। अच्छा, कटप्पा ने दिलाई है। इसको बहुत नॉलेज है इन चीजों की ना। अब इसके अंदर क्या लाइट है, क्या बम्पर है, मुझे कुछ भी नहीं पता। इसने कहा लुधियाना चलेंगे, मैंने कहा चलो भाई। वहाँ जाके हमने बम्पर चेंज कराया, नीचे प्रोजेक्टर डलवाए, 26-24 सेम सेम हो जाते हैं। मैं 22 पे लड़ा हूँ लिटरली, मेरे को 22 डलवाने हैं, 22 डलवाने हैं, वो 22 मिले। वहाँ जाके ना दुकान में घुस रहा है और वो जैसे ऐसे, भैया एलॉय दिखाना थार के लिए, तो वो कह रहे कितना इंच, 20। अरे पागल हो गया, 24 दिखाओ। मैंने कहा कुछ ज्यादा बड़े नहीं ना भैया, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, 24 डलवाएंगे। मयंक मेरा फैन है, ज्यादा बड़ी चीजें चाहिए। बड़ा साइज के टायर्स होने चाहिए हमारे। ओ वाओ, लाइट्स बहुत अच्छी लग रही हैं। इनका थ्रो बहुत अच्छा है, इसका थ्रो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा करता सामने को अंदर। हाँ, जो ओरिजिनल लाइट्स है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, वो इनका है उतनी विजन क्लियर नहीं है, देखने में भी स्मार्ट नहीं है और ऊपर से थ्रो में भी दिक्कत है। और ये भी आपने लगवाया है गार्ड ना? ये गार्ड हमने हां की, बहुत रोड पे लोग उल्टा सीधा भगाते ना, तो ये टक्कर मारने में बहुत काम आता है। पीछे के वो टेल लैंप्स भी चेंज करा है, टेल लैंप्स भी चेंज है। चलो पीछे के भी देख लेते हैं एक बार, भी चेंज है, ये भी चेंज है। और इस टाइम ये गाड़ी ना बहुत ज्यादा प्यारी लोकेशन पे खड़ी है, मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की जगह दे रही है। क्या एड्रेस सबको थोड़ी बताना है, पता है? नहीं, मेरे तो घर के नीचे खड़े हो जाते हैं, भैया भैया नीचे आओ, नीचे आओ, हमसे मिलने आओ। क्या बात कर रहे हो, अरे वाह क्या प्यार, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आंख लगी होती है ना नीचे से, राजवीर भैया एक लड़का दारू पी के आया मेरे घर के नीचे। अच्छा, और वो खुद से ही बातें कर रहा, दारू पी के फुल सेट है और मुझे कैमरे में दिख रहा अंदर से, भैया नहीं आओगे आप? भैया मैं भाई नहीं हूँ आपका, देखो आ जाओ। और मैं अंदर हूँ, वो आसमान में देख के, क्योंकि मेरा घर पहली उस पे है, मेरा रूम बेल्कनी में फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो ऊपर देख के अपने आप से बात कर, आधे घंटे बातें करी उसने। अच्छा, सवाल भी देख लो, बताओ बताओ, मैं फिर आ जाऊंगा, कल मैं फिर आ जाऊंगा दिन में, पहले का यार। अच्छा, अंदर क्या कराया भैया? अंदर हमने इसकी जो एसी है उसके बैंड बजा दिया, क्योंकि ये जो एसी वेंट्स है ना, कोई भी मेरा भाई अगर लगवाना चाहे, बहन लगवानी चाहे, तो इसको मत लगवाना, क्योंकि इससे एसी का एयर फ्लो कम हो जाता है। अच्छा, हाँ, और कूलिंग पे भी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो उतनी हवा आती नहीं। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये हवा क्यों नहीं दे रही है गाड़ी, ये हमारा भी यही है, तो बहुत अच्छी है। नहीं, हमारे में कम हुई है, मैंने जितने उन्हें भी लगवाई है सबसे पूछा। आपका पीछे से तो नहीं कुछ हुआ है, क्योंकि इवेंट से क्या रुकेगा यार? नहीं, हमें लगी शायद हमारे भाई है नितिन चंदीला, बॉडी बिल्डर, आप जानते हो, तो कल मैं उनसे भी पूछ रहा था, तो उन्होंने भी मुझे ये चीज बोली कि हाँ मेरे में भी थोड़ी बहुत। अच्छा, ये जो सीट कवर लगाए, इसे लगा के कम्फर्ट ज्यादा लगा या कम लगा? मुझे तो कंपनी ने यही लगा के दिए थे, तो कंपनी से लगवा लिए, कंफर्टेबल है। और फैब्रिक वाले ज्यादा कंफर्टेबल है, अच्छा, ओरिजिनल जो आते हैं, अच्छा, वो ज्यादा कंफर्टेबल है, चलती ही नहीं गाड़ी। हो जाओ तैयार, नहीं उसमें उतरवाने पड़ेंगे ये। बाकी थार तो हमारे जैसी है, सीट के नीचे वो है, क्या है, अंडर सीट वूफर है, क्या बोलते हैं उसको, हां नीचे सिस्टम में वो लगा रखा है, अंडर सीट वूफर। अच्छा, वूफर लगवा रखा है इसके अंदर, हां। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम में आपने अपग्रेडेशन कराया है, कंपोनेंट्स लगे हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह है डिक्की में, वो भी अगर बेस ट्यूब रख के भर दें, हाँ, तो कभी जिम का बैग रखना होता है, कभी जितना बेस सही होता है ना, सफिशिएंट उतना आता है। हाँ, जिम जाने के लिए तो पूरा टोर है यार, हाँ, है ना, वहाँ ऐसी जगहों के लिए बहुत अच्छा है। क्या होता है ना, जैसे हम जिम जाते हैं, तो जैसे अब मेरी ईवॉक है या सियाज है या सफारी है, उसके अंदर क्या, जैसे हम आए, डोर खोला, पीछे बैग डाल दिया, आगे बैठ गए। इसमें अगर डिक्की फुल है, कितनी बार ऐसे होता है, हमको ब्रांड सप्लीमेंट स्टैक भेजते, तो वो हमारे इसमें रखे रहते हैं। तो अभी ना जो शोल्डर है ना, ये कंधे इनकी जो बैंड बजती है ना, क्यों पहले बैग उतारो फिर पूरा पीछे डालो, और फिर उसको यहीं से ऐसे खींचो ना, कई बार तो वो फंसता है सीट में, तो इरिटेशन तो बहुत ज़्यादा होती है यार। शौक क्या ना, गाड़ी है, शौक पूरे हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे, जैसे मैंने थार ली ना, तो बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं कि भैया मेरा भी सपना है थार लेने का, जब मैं पैसे कमाऊंगा ना, तो मैं भी थार लूंगा।
तो मैं उन लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि पहले घर में कोई दूसरी गाड़ी हो तो थार लेना, अदरवाइज पहली गाड़ी घर के लिए थार मत लेना। हम भी हमेशा ही बोलते हैं सेकेंडरी कार है ये, बिल्कुल सेकेंडरी है, बिल्कुल सेकेंडरी। हाँ, और मम्मी पापा इसको बिल्कुल नफरत करने वाले हैं इस गाड़ी से। 15 मम्मी तो मेरी गाली बकती है, अरे क्या है ये, मम्मी कहती है मेरी संदूक तीन का डब्बा, क्या संदूक उठा के ले आया ना, इसमें पीछे बैठना उनके लिए चैलेंज हो जाता है ना। इसमें बहुत कम, अगर मुझे इसे कहीं जाना होता तो ही जाते हैं। अच्छा, दो ही जाते हैं, अदरवाइज इसे निकालते ही नहीं। टू सीटर ही है ये, टू सीटर ही है। अब आज आपके चक्कर में 1.5 महीने में निकली है। अच्छा, अरे क्या बात, करा के कवर डाल के खड़ी कर रखी है। मेरे को तो पूछना था, मुझे मेरे को जानना था कि जैसे आप जैसे लोग हैं ना, जो थोड़ा टशन वशन ज्यादा मेंटेन करते हैं और दिखाना भी होता है, थार जरूर होगी आपके पास, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा है सच में? बेकार है, बेकार है, सच में बेकार है। अच्छा, इससे अच्छा इंसान वरना, इससे अच्छा वरना खरीद ले इंसान। अब तो 10-11 लाख की हो गई है शायद ये। हाँ, 11 लाख में आ रही है, बट उसमें बहुत चीजें कम कर दी ना, पावर ही कम कर दी, इसमें ही हमें कम लगती थी, लगती है ना थोड़ी भारी सी अभी। अब वो और इंजन छोटा कर दिया। अच्छा, लेकिन एक दिन मुझे पैसा वसूल लगा इसका, सिर्फ मुझे एक दिन ऐसे लगा कि हाँ, जिस दिन से ली ना उसके 4-6 दिन बाद ही मैंने कहा पैसे डूब गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे एक दोस्त की फॉर्च्यूनर फंस गई खाई में। वो अच्छे टेढ़ी हो गई और स्किट कर रहे हैं टायर उसके सारे, निकल ही नहीं रही, हिल ही नहीं पा रही। तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ, मेरे पैसे वसूल हुए हैं, हम कहीं से रस्सी का जुगाड़ करा, इसमें बांध इतने, मतलब रेस बिना दिए। अच्छा, मतलब पेडल टच किया, वो 4x4 पे लगाई है और पेडल टच करा, इसका टायर ना ये पूरा नहीं घुमा होगा इतने में, तो इसने थार उसको फॉर्च्यूनर को जैसे खिलौना नहीं खींच लेते, ऐसे खींच के बाहर निकाल दिया। तो मुझे लगा हाँ चलो, नहीं नहीं, गाड़ी में वैसे बहुत रफ एंड टफ है ये, आपको सोचना नहीं है। ये गाड़ी अपने रास्ते खुद बनाती है, हमेशा हम लोग सबको कहते हैं ये गाड़ी को रास्ते ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको जहाँ मन करे चढ़ा दो उतार दो, कोई टेंशन नहीं है। मैं भी जैसलमेर हम लोग गए थे तो हम तो फन कर रहे थे, किसी की गाड़ी फंसी हुई थी, हमने भी 2 मिनट में लगाया और खींच के बाहर, हमने कहा चलो भैया, वो कह रहे भैया क्या लड़की ड्राइव करती है, मैंने उनको बताया नहीं कि भैया मेरा काम नहीं है, ये गाड़ी ने किया है, मैंने कहा देखा क्या मस्त ड्राइवर हूँ। तो यस, हाँ, अब कितनी बार क्या होता है ना कि हम तो कभी ऑफ रोडिंग के लिए गए नहीं, इससे कभी भी टाइम नहीं मिल पाया इतना, एक साल हुआ नहीं है, होने वाला है। तो कभी कभी मुझे ऐसी ऊबड़ खाबड़ रोड दिखती है ना, मैं उस पर चढ़ा देता हूँ चेक करने के लिए, देखा भैया ऑफ रोडिंग करने कहीं चल लो भैया, थार है क्या कर रहे हो, कभी डिवाइडर पे चढ़ा दी, कभी जंगल में घुसा दी, मैं ऐसे करता हूँ, कभी यहाँ पीछे घुसा दी, तो कहते भैया ऑफ रोडिंग करनी है तो फिर चली लो कहीं, कि आपको फिर वो नॉर्मली चलानी पड़ेगी, आप उसको बुकिंग बन जाएगी। हाँ। फिर तो आपको लगेगा फिर भाई तो क्या पैसा जोड़ना पड़ेगा। सोचो उन्होंने उसके अंदर इंजन ऑयल ही नहीं डाला, जो मेन काम है सर्विस में दो हो गए, दे दी और 18,000 का बिल बना दिया, वो 2 दिन बाद मेरी गाड़ी सीज हो गई।